तब दिल्ली वालों क्या हाल है, टाटा आईपीएल से बाहर। ये मैं नहीं, दिल्ली के लौंडे पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रभु शिवरंग सिंह ने ऐसे पारी खेली कि दिल्ली के सारे लौंडे गेंदबाजों को फोड़ डाला, फोड़ा क्या बल्कि जड़ी से ही खत्म कर डाला, क्योंकि प्रभु शिवरंग सिंह को दिल्ली के गेंदबाज आउट तक नहीं कर पाए। एक तरफ तो पंजाब के सभी राजाओं को आउट कर रहे थे सिर्फ, लेकिन एक लौंडे को छोड़ दिए, वो थे प्रभु सिमरन। क्योंकि भाऊगा प्रभु सिमरन यदि आउट हो जाते तो पंजाब का काम ही तमाम हो जाता, क्योंकि प्रभु सिमरन सिंह ने ही अकेले पंजाब की तरफ से रन बनाए। यदि वो रन नहीं बनाते तो पंजाब की टीम शायद 120 तक सिमट जाता और दिल्ली के दिलेर इसे आसानी से चेस कर जाते। तो चलिए तो बात करते हैं इस मैच के पूरे गहराई के बातों में। तो इस मैच में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने पर्यता जिसके पहले गेंदबाजी का फैसला किया और निमंत्रण दिए पंजाब के राजाओं के। हालांकि दिल्ली का सोच सही हुआ, क्योंकि शिखर धवन मात्र 7 रन के स्कोर पे आउट हो गए तो दिल्ली वाले खुश हुए। लेकिन इन दिल्ली वालों ने सिर्फ एक गलती की, प्रभु सिमरन सिंह को आउट न करना, क्योंकि शिखर धवन के आउट होने के बाद जो भी बैट्समैन आए कोई बैट्समैन नहीं चला पाया, चाहे लिविंगस्टन हो या कोई शाहरुख खान हो, कोई भी बल्लेबाज को दिल्ली वालों नाकाम कर दिया। सिर्फ एक ही बैट्समैन को नाकाम करने में नाकाम हुए दिल्ली के दिले प्रभु सिमरन सिंह को, और नतीजा यह हुआ कि प्रभु सिमरन ने 103 रन ठोक डाले और अपने आईपीएल करियर का पहला भी सेंचुरी ठोक डाले। इस तरीके से पंजाब की टीम ने 20 ओवर में टोटल 167 रन बना सकी। हालांकि 167 रन देखने में तो कम लग रहा था, लेकिन वो कम नहीं था। और बैटिंग करने आए फिर दिल्ली के दिलेर, और डेविड वार्नर ने तो ऐसी शुरुआत की कि लगा कि यह मैच 15 से 16 ओवर में खत्म हो जाएगी, लेकिन यह उनका बल्ला चला सिर्फ पावर प्ले ही तक। लेकिन पावर प्ले तक डेविड वार्नर 27 गेंदों में 54 रन बना चुके थे, लेकिन डेविड वार्नर जैसे आउट हुए फिर उसके बाद कोई भी दिल्ली का बैट्समैन नाकाम हुआ, क्योंकि उनके आउट होते ही दिल्ली के बैट्समैन पतझड़ों की तरह झड़ने लगे। नतीजा यह हो कि 12 ओवर ही तक दिल्ली वालों ने 12 ओवर में 6 विकेट गंवा दिया और 96 रनों के स्कोर तक। और 20 ओवरों में दिल्ली की टीम केवल 136 रन ही बना सकी और पंजाब की टीम इस मुकाबले को 31 रन जीत लिया और इस आईपीएल में अभी तक जीवित है। हाँ दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूले। तो चलते हैं और अगले वीडियो इसी जोशी के साथ मिलेंगे और बवाल मचाते हुए मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।